हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपने चैनल का सब्सक्राइब बटन बनाना चाह रहे हैं कुछ इस तरह? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल का सब्सक्राइब बटन कैसे बना सकते हैं और आप अपने चैनल के सब्सक्राइब बटन को कहां से डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस प्रकार से हम वहाँ से वीडियो डाउनलोड कर लेंगे और वीडियो डाउनलोड करने के बाद हम कैसे एडिटिंग करेंगे। दोस्तों, हम फ़ोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हमें डाउनलोड करना है ग्रीन बैकग्राउंड में, जो कि वेल आइकन होगा। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे आना है डायरेक्ट गूगल पे। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है सब्सक्राइब बटन। जब यहाँ पे आप सब्सक्राइब बटन सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइब बटन मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं 8 सेकंड का एक है जो कि यहाँ पे है सब्सक्राइब बटन। हमें इस पर क्लिक किए, यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हो गया। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। उसका जो इसका साइज है, इसका जो क्वालिटी है सेम रहना है, उसका डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ आपको कुछ कैप्चा आएगा, आप इसे आई एम नॉट रिबूट पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे फिनिश हो जाता है तो आप इसे डाउनलोड कर देंगे और यह डायरेक्ट आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। गैलरी में सेव हो चुका है। अब इसको हमें चलना है एडिट करने के लिए ग्रीन स्क्रीन। तो आप चाहे तो गूगल से ही सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप इमेज सर्च एक ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जा करके। आप वहाँ से ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ढेर सारे ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड आ गए। यहाँ से हम कोई भी एक ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसे पहले से ही डाउनलोड किए हैं, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम चलते हैं काइन मास्टर पे। तो हम आ गए काइन मास्टर पे। काइन मास्टर पे आने के बाद हम यहाँ पे वीडियो अपना एडिट करेंगे। काइन मास्टर मेरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सोलर रेस्टियो नाव पे क्लिक करके क्रिएट कर दे रहे हैं। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमें देखिए ओपन हो गया है। अब यहाँ से हमें एक ग्रीन स्क्रीन ले लेना है, जो कि पिक्चर में डाउनलोड किए थे। उसका डायरेक्ट हम यहाँ से अपना ग्रीन स्क्रीन ले लेंगे। ग्रीन स्क्रीन लेके इसको हम काफ़ी लंबा कर लेंगे, कम से कम 10 कर लेंगे, क्योंकि वो 8 था। उसके बाद हम यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे। लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करेंगे, जो हम डाउनलोड किए हैं। डाउनलोड पे गए, यहाँ पे हम क्लिक किए, मेरा यहाँ सेलेक्ट हो गया। तो सेलेक्ट हो गया, तो इसको हम कट कर लेंगे। जहाँ से हमें देख सकते हैं, जहाँ से हमें सूटेबल लगे वहाँ से हम इसे कट कर सकते हैं अच्छे से। कट करने के बाद इसको हम सेव कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें रेडी हो गया। अब हमें इसका क्या करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है। इसको पहले हम सेट कर ले रहे हैं, सेट हो चुका है। अब हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। उसके लिए हमें यहाँ पे जाना है क्रोमा की पे। यहाँ क्रोमा की पे आएंगे, उसे ऑन कर देंगे, इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे हमें नाम लिखना है और अपने चैनल का लोगो सेट करना है। यहाँ पे अपने चैनल का लोगो ले लिए फोटो। अब इसके बाद हमें यहाँ पे इसको क्रॉप करना है। तो क्रॉप करने के लिए यहाँ पे क्रॉपिंग का ऑप्शन आ जा रहा है, क्रॉपिंग पे क्लिक करेंगे और इसे मार्क्स को ऑन कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करके हमें इसका एक साइज ले लेंगे। हम चाहे तो यहाँ पे गोला कर सकते हैं इसको, या फिर हम इसको आयताकार ही लेंगे, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे अब लिखना है अपने चैनल का नाम। हम यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हम अपने चैनल का नाम लिख लेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ अपने चैनल का भी नाम लिख चुके हैं। इसको हम तो इसका फ्रंट सेव करना है। उसके बाद हम यहाँ पे एक अच्छा सा फ्रंट उसका ले ले रहे हैं, ताकि अच्छा लगे, काफ़ी मोटे में भी रहे। उसके बाद हम यहाँ पे इसका साइज मिला ले रहे हैं अच्छे से। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिखने लगा है कि मेरा यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। हमें यहाँ पे जो बेल आइकन वाला बटन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे इन एनिमेशन पे क्लिक करना है। इन एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद स्लाइड अप पे क्लिक करना है, यानी कि आते टाइम ऊपर इस प्रकार से आए। इसी प्रकार से इस पर भी क्लिक करना है, इसमें भी वही सेम प्रोसेस इसमें भी कर लेना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब स्लाइड अप का तीनों में हो चुका है। अब हमें यहाँ पे स्लाइड डाउन का क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे तीनों में सेम प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें आउट एनिमेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें स्लाइड डाउन पे क्लिक कर लेना है। ऐसे हम दोनों तीनों में कर लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कर चुके हैं। अब इसे चालू करते हैं। चालू करने के बाद देखते हैं कि दोनों साथ में आ रहे हैं कि नहीं। अब देख पा रहे होंगे दोनों साथ में आए हैं, दोनों साथ में गए हैं। तो दोस्तों, अब इसको क्या करना है हमें, कि अब इस पर जो आ रहा है तो आइस आनी चाहिए। किस प्रकार से आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से बन चुके हैं। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से बनाने के बाद इसे आप डाउनलोड करना है। ऊपर आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, क्योंकि फ्री में है तो ऐड भी चलता है कभी कभी। हम यहाँ पे सेव कर ले रहे हैं, स्किप कर लिए, सेविंग होने लगा। तो दोस्तों, वीडियो यहाँ पे सेव हो चुका है। अब हमें सीखना है कि हम आखिर सब्सक्राइब बटन को अपने वीडियो में ऐड कैसे करेंगे। तो हम चलते हैं अपने वीडियो में एक
ऐसे एक वीडियो अपना हम लेते हैं और वीडियो हम डायरेक्ट यहाँ पे सेव करके दिखाएंगे कि आप अपना सब्सक्राइब बटन किस प्रकार से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे, लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे काइन मास्टर का ऑप्शन आ जाएगा, काइन मास्टर पे क्लिक करेंगे। काइन मास्टर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हमें इस लोगो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्रोमा की करेंगे। क्रोमा की कहने से पहले हम इसको पहले ऊपर कर ले रहे हैं, अब इसको हम थोड़ा सा क्रॉप कर ले रहे हैं, तब इसका क्रोमा की करेंगे। हम यहाँ पे क्रोमा की पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसे इनेबल कर दिए, यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब इसको डायरेक्ट यहाँ फिट कर दे रहे हैं जहाँ पे करना है। उसके बाद हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से सेव होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एकदम परफेक्ट आके बैठा है। फ्रेंड्स आप भी इस प्रकार से इसको सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सबने देखा कैसे मैं गूगल से जाकर पिक्सअप वेबसाइट से सब्सक्राइब बटन को डाउनलोड किया। दोस्तों अगर आप वहां से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के आप उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से सब्सक्राइब बटन बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।